दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यंस फन क्लब। मेरे इस चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे कोर्स 506 है और कोर्स 507 की परीक्षा एंड हो चुकी हैं और साथ ही 21 तारीख को ये भी घोषणा कर दी गई थी कि हमारा जो कोर्स 508 है और 9 या 10 में से कोई एक जो हमने सिलेक्ट किया है उनकी परीक्षा की तिथि भी आ गई है। उनकी परीक्षा की तिथि आपको नहीं पता है तो नीचे उस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो डेट क्या है। लेकिन आज मैं दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हमें तैयारी करनी है परीक्षा की और परीक्षा की तैयारी को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज से अपने कोर्स 508 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न होते हैं ये। तो जल्दी से आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए एनआई से रिलेटेड उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर्स 508 का नाम है प्रारंभिक स्तर पर कला स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा का अधिगम। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करेंगे दोस्तों आज से। पहला प्रश्न है, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारी सुनने की शक्ति नंबर 1 बढ़ जाती है, नंबर 2 घट जाती है, नंबर 3 दोनों होती हैं, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। मैं दोस्तों 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो सही ऑप्शन है वही मैं उसका आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक पूर्ण आहार है। तो दोस्तों दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कुकर खांसी का निवारण किससे होता है। इसका उत्तर है दोस्तों सी, DPT प्रतिरक्षण। और क्वेश्चन नंबर 4, खाना पकाते समय किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऑप्शन है इसका बी, नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली सउद्देश्य क्रिया है, किसकी उक्ति यानी किसने कहा था ये। तो ये कथन था क्लिपैट्रिक का, ऑप्शन ए। 6वां क्वेश्चन, फाउ चित्रकारी जिसको बोलते हैं, के कलाकार कौन है। इसका उत्तर है दोस्तों विजय जोशी। 7वां प्रश्न, प्राथमिक रंग को चिन्हित करें, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो इसमें प्राथमिक रंग है लाल, ऑप्शन ए। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लाल लाजवर्त से कौन सा रंग दे सकती है। बी, नीला। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों घास पालक से कौन सा रंग दे सकते हैं, ये हमें किस रंग की ज्ञान कराते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, हरा रंग। अगला 10वां क्वेश्चन है, गेरू से कौन सा रंग दे सकते हैं। इसका उत्तर है डी, भूरा। 11वां प्रश्न, कागज मोड़ना ओरिगामी क्या है। तो इसका उत्तर है एक जापानी क्रिया। 12वां प्रश्न, कोलाज क्या है। कोलाज का ऑप्शन आंसर है 3रा नंबर ऑप्शन, विभिन्न सामग्रियों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यक्षगान किस प्रदेश से संबंधित है। इसका उत्तर है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, तमाशा किस प्रदेश से संबंधित है। इसका उत्तर है दोस्तों सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो दोस्तों जोड़ी दी हुई है, इस जोड़ी को हमें सही मिलान करना है। एक तरफ स्तंभ 1 और एक तरफ स्तंभ 2, स्तंभ 1 को हमें स्तंभ 2 से मिलान करना है। पहला है स्केच बनाना, दूसरा है नृत्य, तीसरा है पेंटिंग, चौथा रंगमंच और 5वां कॉलाज। इसको हमें सही जोड़ी मिलाना, तो दोस्तों इसका उत्तर है 1, यानी रंगमंच का होगा गति कौशल संचालन, नृत्य का होगा शारीरिक गति संचालन, पेंटिंग रंग संयोजन, रंगमंच संवाद प्रेषण और कोलाज बनाना सृजनात्मकता। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं, कारक जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वे लोग स्वस्थ या अस्वस्थ कैसे होते हैं। ऑप्शन इसका सी है, मातृभाषा। 17वां नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मैचिंग है दोस्तों, जोड़ी है। और इसका कुकर छोटी, पहला स्तंभ 1 में ऑप्शन है छोटी माता, दूसरा है कुकर खांसी, तीसरा है खसरा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है नंबर ए ऑप्शन, यानी पहले का बनेगा दूसरा, छोटी माता में बुखार, सिरदर्द, उल्टी और शरीर पर दाने निकलना। कुकर खांसी में बुखार खांसी विशिष्ट दाने, हल्का बुखार उत्तेजक खांसी, और खसरा में होता है बुखार खांसी विशिष्ट दाने। क्वेश्चन नंबर 19 और अंतिम प्रश्न, पसंदीदा आवाज़ों की अनुभूति है, यानी पसंदीदा आवाज़ जो हम सुनते हैं उसकी अनुभूति को क्या कहते हैं। तो उसकी अनुभूति होती है संगीत।
तो दोस्तों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोर्स 508 के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।